कितना बोरिंग है। ओह, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। अरे पेट गुड़गुड़ाना बंद करो, हम अभी खाना खाएंगे। ओ पिज्जा, ओ मेरा पिज्जा कहाँ है? मुझे भूख लगी है और खाना नहीं है। और ये लो, इधर। ओ मुझे मार्गो की चीखें सुनाई दे रही है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी छोटी बहन। तुम्हारी सुपर बहन माइली आ रही है हवा की तेजी से। ओह यह कितना सुंदर है, मैं जीनियस हूँ। कोई रो रहा है? और वह निश्चित रूप से भूख से रो रहा है। यह मार्गो है, मैं अभी आ रहा हूँ बेबी। कभी कभी पूरे शांति में रॉक बजाना और कानों में केवल बेस देना कितना अच्छा होता है। रुको, किसी के रोने की आवाज आ रही है। यह मार्गो है, उसके क्या हुआ? मैं आ रही हूँ। तुम चुनौती चाहती हो? वाह, मल्टीडू चैनल पर कलिनरी चुनौती में आपका स्वागत है। बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है, क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है, और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ यह रहा, हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ यहाँ कोई है? ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्टिवेशन कहाँ है? अब माइली छोटे आग को बुझा देगी, घबरा मत। हो गया, तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है, मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है, मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है? और मैंने इसे खाकर भी देखा, यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह मिस्टर शेफ, मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आँखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है, मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा
क्लास, अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं, एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है, हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते, बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है थिंग? लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया, मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्कशेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंग, फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है, तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्कशेक सजा चुका हूँ, कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्कशेक है और मैं क्या करूँ? यह सही है, यह मेरा फ्रिज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा, यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना, यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया, और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है, हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा, मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी, भयानक। वाह, क्या ये चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वह इसके अलावा मीठा सजावट, मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और, मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रस हो गया, ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ, यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट, ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता, यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता, वह एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाए जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो, इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी, इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है, मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है, मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है।
चलो अब इसे काटते हैं। वाह बढ़िया। ये थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह अब इसकी बात अलग है, बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओ यह हो गया। हुर्रे ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं, मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गों से जल रही हूँ, मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियाँ चाटने लायक है, ये कितना स्वादिष्ट है। ओ यह अटक गया। वेंसडे मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यह क्या है? वाओ स्कल पर ठीक लग रहा है, ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह और यह क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह शेफ जीत गया, प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें, आगे ये और भी मजेदार होने वाला है।